मोबाइल यूजर के लिए बड़ी राहत, अब घर बैठे होगा सिम आधार से लिंक। अब आपको अपना मोबाइल सिम आधार से लिंक करवाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। UIDAI ने टेलीकॉम कंपनियों के आधार से सिम लिंक करने के 3 नए नियमों को मंजूरी दे दी है। 1 दिसंबर से आप घर बैठे अपने नंबर का रीवेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें, आधार से सिम लिंक करने के 3 नए नियमों को मंजूरी दे दी है। 1 दिसंबर से आप घर बैठे अपने नंबर का रीवेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ मैं मोना शर्मा, कैमरामैन ऋषभ के साथ अराइव 24 न्यूज दिल्ली। निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों के बावजूद निवेशकों द्वारा खरीदारी से आज बंबई शेयर बाजार BSE में तेजी देखने को मिली। एशियाई बाजारों से मिले बेहतर संकेतों के कारण भी शेयर बाजारों में बढ़त देखने को मिली। GST परिषद ने शुक्रवार को कुछ क्षेत्रों को राहत देते हुए च्युइंगम से लेकर डिटर्जेंट तक आम इस्तेमाल वाली वस्तुओं पर कर दर को मौजूदा 28% से हटाकर 18% कर दिया गया है। इसके साथ ही GST के शीर्ष कर पर स्लैब 28% में सिर्फ 50 वस्तुएं रहेंगी। आपको बता दें, शुरुआती कारोबार BSE के सेंसेक्स में 103 अंकों की बढ़त देखी गई। हालांकि दोपहर में सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ मैं दीपा सेठी, कैमरामैन ऋषभ के साथ अराइव 24 न्यूज दिल्ली। आयकर विभाग इन दिनों लोगों को मोबाइल मैसेज के जरिए आयकर की धारा 143(1) के तहत नोटिस भेज रहा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आया है तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। 143(1) के तहत आने वाले टैक्स नोटिस को नोटिस ऑफ डिमांड कहा जाता है। यानी अगर आपकी कोई टैक्स देनदारी बकाया है तो आप इस मैसेज के मिलने से 30 दिनों के भीतर उसका भुगतान कर दें। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो 30 दिन बीत जाने के बाद आपको 1% की दर से मासिक ब्याज अदा करना होगा। आपको बता दें कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मैसेज आपको सिर्फ टैक्स भुगतान के लिए सूचित कर रहा है। मैं सदफ खान, कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ अराइव 24 न्यूज दिल्ली। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 1 दिसंबर को रिलीज ना की जाए पद्मावती, शांति भंग होने का डर है। देश भर में भीषण विरोध झेल रही संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की राह में एक और बड़ी मुश्किल खड़ी नजर आ रही है। राजस्थान का राजपुतानियों और करनी सेना के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शांति व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज ना करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि फिल्म का विरोध कर रही करनी सेना ने फिल्म के रिलीज वाले दिन यानी 1 दिसंबर को ही भारत बंद का आह्वान किया है। साथ ही करनी सेना ने यह धमकी भी दी है कि जिस सिनेमा घर में पद्मावती लगेगी उस सिनेमा घर को जला दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अंशिका, अराइव 24 न्यूज दिल्ली।